हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गूगल लोबान के फ़ायदे। बहुत ही अच्छा होता है गूगल और लोबान, घर में इसकी अगर धुनी लगाई जाए तो ये हमारे शरीर के लिए भी और घर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए गूगल की बात करते हैं। तो गूगल धूप का महत्व और लाभ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। गूगल एक वृक्ष का नाम है जिसके तने से प्राप्त होने वाली राल को गूगल धूप कहा जाता है। इस धूप का रंग जो है पीला, श्वेत और लाल हो सकता है। इसे जब आप जलाते हुए उपले पर डालेंगे तो यह मनभावन खुशबू बखेरेगा। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। हफ्ते में एक बार आप इसे कर सकते हैं, यानी उपले पर जलाकर गूगल की धुनी लगाने से जो है घर में अगर क्लेश है तो शांति आ जाती है। भारत में सदियों से यह धूप पूजा पाठ से पूर्व काम में लाई जा रही है। इसके अलावा गूगल का प्रयोग इत्र व औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है। गूगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है घर में, अगर आप वातावरण शुद्ध रखना चाहते हैं तो गूगल का उपयोग करें। तो चलिए लोबान के बारे में भी आपको बता देती हूँ। हिंदू धर्म में लोबान को जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह न सिर्फ एक परंपरा है बल्कि स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। दरअसल लोबान से निकलने वाले धुएं से मस्तिष्क शांत रहता है और शरीर की थकान भी कम होती है। यह आपकी त्वचा की झंझनाहट को दूर करता है। जब कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है और वह अवसाद मुक्त हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क जो है स्ट्रेस फ्री रहे, शांत रहे और आप अवसाद से दूर रहें तो आपको अपने घर में लोबान अवश्य जलाना चाहिए। गूगल लोबान की धुनी घर में अति पवित्र रहती है, देवी देवताओं को बहुत प्रसन्न करती है। तो चलिए मैं आपको गूगल लोबान की धुनी लगाने के, धूप जलाने के फ़ायदे मैं आपको आज बता देती हूँ। बहुत अद्भुत फ़ायदे हैं इसके। तो देखिए, सबसे पहला फ़ायदा है पर्यावरण शुद्ध होता है। यह गूगल लोबान की अगर आप धूप लगाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जहाँ पर गूगल लोबान को जलाया जाता है उससे बहुत मनभावन खुशबू निकलती है, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यदि आसपास दुर्गंध भी आ रही है तो वह भी दूर हो जाती है और वातावरण सुगंधित हो जाता है और मन को मोहने वाली खुशबू बिखेर देता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। दूसरे नंबर पे है नेगेटिव एनर्जी दूर करें। जब आप इसको अपने घर के अंदर जलाते हैं तो ये घर के अंदर जो मौजूद नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करता है, चाहे वो सोच की हो, चाहे वो वातावरण में हो, वो सारी नेगेटिव एनर्जी को गूगल लोबान की धुनी से ख़त्म हो जाती हैं। तो गूगल लोबान की धुनी जरूर लगाएं। एंटी डिप्रेसेंट, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लोबान डिप्रेशन को कम करने का भी काम करती है। डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है जिसके अंदर रोगी किसी बात को सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता है। जिस घर के अंदर लोबान की धुनी लगाई जाती है, यदि वहाँ पर कोई डिप्रेशन का रोगी है तो उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो जिनको भी डिप्रेशन रहता है वो अपने गूगल लोबान की धुनी जरूर लगाएं, दिमाग को शांत करती है। गूगल लोबान हमारे दिमाग को शांत करती है, जिससे हम स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स महसूस करते हैं। सांस से जब लोबान हमारे दिमाग के अंदर जाता है तो यह TRBP3 प्रोटीन को प्रभावित करती है, जिससे हमारा दिमाग शांत रहता है और चिड़चिड़ापन भी हमारे अंदर जो होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसलिए जिनका भी दिमाग शांत नहीं रहता है उनको गूगल लोबान की धुनी डेली लगानी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी को लाती है। ऐसा माना जाता है कि गूगल लोबान धूप जलाने से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है घर के अंदर देवी देवताओं का वास होता है, जिससे आपका कल्याण होता है। इस वजह से लोबान और गूगल की धुनी लगाई जाती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने में फ़ायदेमंद, यानी आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाने में भी बहुत फ़ायदेमंद है गूगल, ठीक है। तो अगर आपको आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाना है तो डेली आपको गूगल लोबान की धुनी लगानी चाहिए, उसके सामने बैठना चाहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। शारीरिक थकान भी कम होती है यदि आप रोजाना गूगल लोबान जलाते हैं तो इससे कई सारे फ़ायदे हैं। गूगल लोबान का फ़ायदा यह भी है कि इससे शारीरिक थकान कम होती है। यदि आप शारीरिक रूप से थके रहते हैं तो घर के अंदर शाम को लोबान अवश्य जलाएं, इससे आपकी शारीरिक थकान दूर होगी। त्वचा की झंझनाहट, यदि आपकी त्वचा के अंदर झंझनाहट की समस्या है तो आपको अपने घर के अंदर एक बार लोबान जलाकर अवश्य देखना चाहिए। जब आप कुछ दिनों तक लोबान जलाकर अपने उसके धुएं के सामने बैठेंगे तो निश्चय ही आपकी त्वचा में जो झंझनाहट होती है वो कम होगी या ख़त्म हो जाएगी। एक अध्ययन के अंदर यह कहा गया है कि लोबान रचनात्मकता को विकसित कर सकता है, यह प्यार को आकर्षित करता है, मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है और यह प्रेरणा को विकसित करता है। गूगल लोबान मूल रूप से थाईलैंड, मलेशिया और ईस्ट इंडीज़
के द्वीप से आयात किया जाता है। तो गूगल लोबान चेहरे की झंझनाहट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस्लाम धर्म के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार की दवाओं के अंदर भी लोबान का जो है प्रयोग किया जाता है। औषधीय रूप में लोबान कई प्रकार की समस्याओं का इलाज करती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, एक पेट के दर्द से राहत, कब्ज को दूर करता है, आंखों के घाव भरने में, दस्त के उपचार में, पाचन में सहायक है, सर्दी और खांसी के लिए फायदेमंद है, जीभ में अगर घाव हो जाता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है लोबान। ठीक है ना, तो लोबान धूप कैसे जलाएं, गूगल लोबान को किस तरीके से जलाया जाता है। लोबान धूप को आप घर के अंदर आसानी से जला सकते हैं। इसके लिए आप बाज़ार से एक मिट्टी का बना दिया या दिया टाइप का आपको कुछ भी ढक्कन मिल जाता है वो ला सकते हैं। इसके अंदर आपको एक अंगारा अंगारा रख दें, या आप जो उपला होता है गोबर से बना हुआ होता है, अगर वो गाय का गोबर है और उससे उपला बना है तो उससे अति शुद्ध कुछ नहीं हो सकता। तो आपको एक गाय का बना हुआ गोबर का उपला लेना है, उसको गैस पर रख कर लाल कर लेना है। जब वो अंगारा बन जाए तो उसे आपको रख देना है मट्टी के बर्तन पर, और उसके ऊपर आपको धीरे धीरे से गूगल लोबान छिड़कनी है। आप देखेंगे जैसे ही आप गूगल लोबान छिड़कते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आपके घर में फैलने लग जाती है और धुआं धुआं होने लग जाता है। इसके साथ आप देसी घी की, गाय के देसी घी की 2-3 बूंदें भी टपका सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। पूजा से पहले आपको गूगल लोबान की धुनी लगानी है, हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। इससे आपके घर में आपको पॉजिटिव एनर्जी का विकास होते हुए दिखाई देगा, ग्रह क्लेश से शांति मिलेगी। बहुत सा मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत सारे फायदे हैं गूगल लोबान के, तो आप ये जरूर लेकर आए अपने घर पर और आज से ही इसकी धुनी लगाना शुरू करें। मन तन और धन सबकी शुद्धि के लिए गूगल लोबान बहुत ही आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे गूगल लोबान के फायदे और इसको किस तरीके से जलाया जाता है, तो ये सारी विधि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।